मिक्स दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को उबालेंगे। दाल में हम थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि ये अच्छे से उबल सके। हमारा पानी उबल चुका है, अब डालेंगे हम इसमें दाल मिक्स। अब हम इसको ढक देंगे और इसमें 3 सीटी लगने देंगे। मिक्स दाल बनाने के लिए थोड़ा सा आपको जीरा लेना है, प्याज लेने के बाद थोड़ा सा आपको ये लहसुन लेना है, लहसुन के बाद आपको ये हरी मिर्च लेनी है, हरी मिर्ची के बाद आपको ये थोड़े से टमाटर लेने हैं, उसके बाद में हरी धनिया डालेंगे हम। चलिए अब हम रेसिपी करेंगे स्टार्ट। लेंगे हम तेल, सबसे पहले डालेंगे हम ये मसाले पत्ता, इसके बाद में डालेंगे हम जीरा, फिर डालेंगे हम प्याज, फिर डालेंगे हम लहसुन, इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्ची। इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे इस तरीके से। प्याज पक चुकी है, अब डालेंगे हम इसमें मसाला। सबसे पहले डालेंगे हम मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये डालेंगे हम धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। ये हमारा मसाला पक चुका है, अब डालेंगे हम इसमें टमाटर। इसके बाद डालेंगे हम मटर, ये देखिए हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें मिक्स दाल, हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें हरी धनिया, ये चुनमुन की मिक्स दाल बनकर हुई तैयार। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।